आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल की हमारी जो पहली पार्ट है उस बारे में, और हम थोड़ी सी बेसिक को लेके चलेंगे। ये बैच हमने जस्ट स्टार्ट किया है मिस्टर दीपक शर्मा के साथ। तो दीपक जी, मैं सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग क्लास के बाद आपको दे दूंगा अगर आप नहीं कर पाए, लेकिन आपने भी रिकॉर्डिंग किया है तो रिकॉर्डिंग किया। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक्सेल आर्किटेक्चर की। तो एक्सेल की फाइल होती है और उस फाइल के अंदर नंबर ऑफ शीट्स होते हैं, और उस नंबर ऑफ शीट्स के अंदर नंबर ऑफ सेल रो एंड कॉलम होते हैं, और जहां पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट होता है वहां पे सेल होता है। हर सेल का एक अपना एड्रेस होता है, जैसे कि A1 मतलब ए कॉलम एंड वन नंबर रो। अगर मैं H1 करूं, H कॉलम एंड मान लीजिए कि 12 रो, 12 मतलब H12 हो गया है। एड्रेसिंग क्या है, तो उसके लिए हमें एक्सेल की कैलकुलेशन को समझना होगा कि बाकी एक्सेल के अलावा बाकी किसी सॉफ्टवेयर पे आप जाते हैं तो वहां क्या होता है कि कैलकुलेशन पूरी की पूरी कॉलम को होती है, मतलब कि उसकी एक एक्सेल को नहीं पूरी की पूरी कॉलम को होती है। राइट सर, लेकिन यहाँ पे हम एक्सेल के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, एक पूरी की पूरी पूरी की पूरी एक सेल्स कॉलम को ना करके एक सेल्स को हम कॉपी कर सकते हैं। कैसे, चलिए, तो जैसे कि हमने यहाँ पे इनको प्लस करना है तो हम मैथमेटिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक्सेल के इनबिल्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। दो चीजें होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए एड्रेस लिया B5 प्लस C5। हम नॉर्मली भी कर सकते थे कि 20 प्लस 30, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि अगर मैं इसको चेंज करूंगा, 30 को मैंने 40 कर दिया, तो आप देखेंगे कि मेरा जो रेफरेंस था वो चेंज हो गया, अपडेट हो गया, बट मैनुअल अपडेट नहीं होगा। यहाँ मैनुअली हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए हम अपने फंक्शन में रेफरेंस को लेते हैं ताकि टाइप होते ही आपको चेंज कर। अपने आप को चेंज कर और हर सेल का एड्रेस होता है। और इसका एक और बेनिफिट है, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक कॉलम है, उस कॉलम में बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, मैंने अपने कॉलम में बहुत सारे नंबर्स लिख दिए और मुझे इन नंबर्स को, इस नंबर जो दिख रहा है इस पे 20 ऐड करना है, तो इक्वल मैं इस पे जाऊंगा प्लस 20, इक्वल प्लस 20 कर दूंगा, और फिर इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कि A1 जो है हमारा A2, A3, A4, A5, A6 हो गया। मतलब कि जब भी कोई फॉर्मूला को नीचे से ऊपर की तरफ हम ड्रैग करते हैं तो वो अपना रेफरेंस को चेंज करता है। ओके सर, जी सर। इससे बेनिफिट क्या होता है कि मुझे मान लीजिए कि यहाँ नीचे 10,000 तक रो है, तो हमें 10,000 तक उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट में ही कैलकुलेशन कर देते हैं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा, जब मान लीजिए कि मैं यहाँ D1 पे 20 रख रहा हूं और फिर इसके अंदर प्लस, इसमें प्लस D1 करूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि हम जब कॉपी पेज ड्रैग करते हैं तो एड्रेस चेंज होता है, तो यहाँ आपका D1 D2 हो गया, A1 A2 हुआ, D1 D2 हो गया। तब यहाँ पे हमारा A1 को A2 करना है, हमें जरूरत है, बट D1 को D2 नहीं करना है, D1 को D2 नहीं करना है। क्लियर है प्रॉब्लम? ये क्या करेंगे कि हमें D1 के आगे, 1 के आगे डॉलर का साइन लगा। डॉलर का साइन लगाने से क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मतलब आपका जो एक्सेल में जो आपका जो रो नंबर है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, वो सारी चीजें बोल सकते हैं। इसका मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो D1 हमारा फिक्स।
देखिए हमने वन के आगे डॉलर लगाया, मतलब कि अगर मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो यहां आप देखिएगा कि डी जो है ई बन गया, क्योंकि हमने सिर्फ डी के आगे का डॉलर लगाया है, ई के आगे का डॉलर नहीं लगाया। ओके सर, क्लियर क्लियर है सर। इसको हम डी के आगे भी डॉलर साइन लगा देते हैं, ये आगे चल के हर फॉर्मूले में आपका यूज होगा। तो अगर आप जिसके आगे जिसको डॉलर जिसको फ्रीज करना चाहते हो, चाहते कि आगे तब ड्रैग करूं तो चेंज ना हो, उसके आगे आप डॉलर साइन लगा दीजिए, सिंपल। ठीक है सर, जी सर, तो एड्रेसिंग सिस्टम समझ में आ गया। अब यहाँ बिल्कुल। एक चीज और है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे इक्वल A1+20 कर दिया, क्योंकि तो मेरा इसी सेल के अंदर में इसी सीट के A1 पे है, लेकिन मुझे अगर सीट 2 पे है और सीट 3 का A1 चाहिए तो फिर डिफरेंस में सीट 3 A1 होगा। तो इसमें आपको मतलब सेम सीट में है तो सीट का रेफरेंस देने की जरूरत, नाम देने की जरूरत नहीं है, और लेगा भी नहीं और जरूरत भी नहीं है। और दूसरा अगर डिफरेंस सीट पे जाते हैं तो आपको सीट नेम देना पड़ेगा, बट एक्टिव फाइल का इसी फाइल का है तो फिर आपको फाइल नेम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फाइल डिफरेंट हुआ, जैसे मान लीजिए मैंने डेटा 0 ओपन कर दिया, अब मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इक्वल और डेटा 0 पे जाता हूँ, तो फिर आपको पूरी फाइल नेम के साथ आपको देना पड़ेगा। यहाँ देखिए जीरो सीट वन एच ए, पूरा जी एड्रेसिंग सिस्टम यहाँ पर। अब यहाँ पे फाइल का लोकेशन वगैरह नहीं दिखा रहा है, सिर्फ सीट का फाइल का नेम दिख रहा है विद एक्सटेंशन। तो यहाँ पे हम इसको फाइल को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूरी रेफरेंस पूरा का पूरा एड्रेस दिखेगा। जब फाइल ओपन है तब तक आपके फॉर्मूले में उसका एड्रेस जो है लोकेशन एड्रेस या पाथ जो कर लीजिए आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ फाइल नेम दिखेगा। और जैसे फाइल क्लोज होगी वापस आपका ये सीट फाइल क्लोज रहेगी तो पूरा एड्रेस दिखेगा, और फाइल जैसे ही ओपन होगी वापस आपका जो है सिर्फ फाइल। रेफरेंसेस वापस ले लेगा अपना। हाँ समझ गए, ये हमारा रेफरेंसिंग सिस्टम था। अब हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में। मैं पहले बता देता हूं, जैसे कि आप को मैंने मान लीजिए कोई चीज पढ़ा दिया, जैसे मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, आपने सीख लिया। अब बात यह है कि ये हमेशा हमें याद नहीं रहेगी, हो जी सकता है कि कुछ दिन बाद भूल जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत अगर हिंट मिल जाती है तो हम वापस हमारा सारा याद हो जाता है। जी तो उस केस में अगर मान लीजिए मुझे याद करना हो इसको तो इसकी हिंट कैसे मिलेगी? कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर जाइए और जस्ट अपना कर्सर रख दीजिए। कर्सर रखते ही आपको यहाँ पे जो है इसका डेफिनेशन मिल जाएंगे। अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो टेल मी मोर भी क्लिक कीजिएगा, ये आपका एक्सेल हेल्प खुल जाएगा। अब एक्सेल हेल्प क्या होता है? जैसे कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसके साथ उसका यूजर मैनुअल मिलता है ना सर? कभी हमें दिक्कत होती है तो हम यूजर मैनुअल से भूल लेते हैं कि उसका क्या है, जी तो उसी तरीके से ये हमारा है कि यूजर मैनुअल ही समझिए इसका। ठीक है, ये हमारा यूजर मैनुअल है। क्या ढूंढ सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपको लिमिटेशन ढूंढना है कि किस ऑप्शन का क्या लिमिटेशन है, मुझे ये पता करना है, तो इसके लिए यहां आपको दिख रहा होगा सर्च, इसमें आप सर्च कर लें तो ये क्या होगा कि बता देगा कि एक्सेल के किस फंक्शन की क्या लिमिटेशन है। यहाँ एक्सेलिफिकेशन से लिमिट सर्च कीजिए और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि
कितने वर्टू ओपन कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स है, कितने कॉलम का विड्थ हो सकता है, रो की हाइट हो सकता है, कितने बेस ब्रेक होता है, एक सेल में कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर लिख सकते हैं, इसको एक बार थोड़ा सा कैजुअली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जरूर की चीज है, इन फ्यूचर में आपको जरूरत पड़ सकती है। तो ढूंढेंगे कैसे, इसके लिए आप जो है यहाँ है सर्च होता है ना जी, इसी में आप लिमिट को टाइप कर लीजिए, ओके, और इसी में आपको 10 रिजल्ट होंगे, इसी में आपको देख लीजिएगा एक्सेलरेशन एंड लिमिट, क्लिक करके आप ओपन कर लीजिए और इसको एक बार कैजुअली पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक आता है शॉर्टकट की, कि किसी ऑप्शन की शॉर्टकट के बारे में कैसे पता चले। अब शॉर्टकट की जरूरत भी क्यों, अब पहली क्लास में शॉर्टकट इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि मैं क्लासेस में शॉर्टकट का यूज बहुत कम करता हूँ, क्योंकि हमारा इस कंप्यूटर की स्क्रीन सिर्फ टेलीकास्ट होता है, मेरा कीबोर्ड नहीं होता है, मैंने कौन सा की प्रेस किया कैसे पता चले। क्या सर? नहीं बिल्कुल सर। तो इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, कि हम पहले क्लास में आपको शॉर्टकट समझा दे रहे हैं। तो शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट जरिए पाने के लिए किसी भी सेल के ऊपर कर्सर रखिएगा तो उसका शॉर्टकट दिख जाएगा। अगर सेल पे आपने कर्सर रख के शॉर्टकट दिख, जो भी इसका ऑप्शन है उसका यहाँ पर कर्सर दिख जाता है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इसका फिल्टर का शॉर्टकट पता करना है, तो फिल्टर पे जाते देखिए कंट्रोल शिफ्ट एल दी जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं हर एक ऑप्शन पे इसलिए कर्सर रख के देखूंगा तो फिर तो अप्लाई ही कर दूंगा, मतलब मुझे एक लिस्ट चाहिए, मुझे एक लिस्ट चाहिए जहां पे मेरे शॉर्टकट्स की डिटेल्स लिस्ट हो ताकि मैं उसका यूज कर सकूं। तो उसके लिए गूगल वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे शॉर्टकट सर्च कर लें, शॉर्टकट सर्च कर, और यहीं पे देखिए आपको दिख जाएगा कीवर्ड शॉर्टकट इन ऑफिस और कीवर्ड शॉर्टकट एक्सेल। यहां पे ये आपके पूरे शॉर्टकट का लिस्ट हो, अब इसको कॉपी करके रख लीजिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। अब एक चीज आप लोगों के मन में होगा कि जनरली लोगों की प्रॉब्लम होती है तो वो गूगल पे जाके सर्च कर, मैं यहाँ एक्सेल हेल्प पे सर्च कर रहा हूँ। देखिए गूगल पे दी गई इंफॉर्मेशन सारी इंफॉर्मेशन सही हो इसकी गारंटी नहीं, गूगल पे दी गई इंफॉर्मेशन सारी सही हो इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि वहां पे हम जैसे आप जैसे लोग अपने वेबसाइट और आर्टिकल में देते हैं, लेकिन एक्सेल की जो इंफॉर्मेशन है इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है ये 100% प्रूफ रीड है, इसमें गलती के चांसेस समझ गए सर जी। बिल्कुल, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। सर ये जो मेरे शॉर्टकट्स हैं मैं इनको कॉपी पेस्ट करके अलग से वर्ड में एक शीट बना सकता हूँ ना? हाँ ओके, यहाँ पे आइए और कंट्रोल ए कर दीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा जी। जी सर, इस शॉर्टकट को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं देख लेता हूँ सर, ठीक है। इस चीज और भी आती है कि शॉर्टकट को यूज कैसे करेंगे, क्योंकि इस शॉर्टकट को ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार लेंगे और आपको आ जाएगा, इसको आपको डेली बेसिस पे यूज करना होगा। अब ऐसा प्रॉब्लम मतलब क्यों कर रहे हैं, नॉर्मली तो काम कर ही लेते हैं। देखिए शॉर्टकट आप कीबोर्ड से काम करते हैं तो दो फायदा है, पहली फायदा है कि आपकी स्पीड 30% तक बढ़ने की चांसेस है, रिसर्च में पाया गया है और इस रिसर्च को मैं भी सपोर्ट करता हूं कि 30% तक आपका रिजल्ट जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है
आपका जो इंटरव्यू वगैरह में आप जाए और इंटरव्यू के सामने खड़ा कर सिर्फ एक्सेल का यूज करें, अलग इफेक्ट पड़ेगा ना सर? बिल्कुल सर, डेफिनेटली इसका बेनिफिट, इसलिए इसको देख लीजिएगा। दूसरा चीज है कि अगर कुछ ऐसा चीज है जिसकी डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, जैसे मान लीजिए कि मुझे बॉर्डर अप्लाई करना है और इसका कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, तो इसलिए आप अपने देखिए जहां से माउस जिस ऑप्शन पे जा सकते हैं उस ऑप्शन पे आप ऑल्ट की से ही जा सकते हैं। अपने कीबोर्ड का यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस करें, ऑल्ट की प्रेस करते ही आप देखिएगा यहाँ पे एच, यहाँ पे दिख रहा है एच एन जे दिख रहा है आपको जी। ये जो है H जो है इस होम मेनू का शॉर्टकट है, मैं अपने कीबोर्ड का H की प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि ये आपका मेनू बार हाईलाइट हो गया। उसके बाद ये देखिए B, B बॉर्डर और यहां एयर फॉर ऑल बॉर्डर जी। तो अगली बार हमें हो गया कि alt b, सॉरी अगली बार मुझे पता चल गया कि alt b बिल्कुल सर, तो इस तरह की शॉर्टकट यूज कर सकते हैं alt की के साथ। दूसरा आप कीबोर्ड से राइट क्लिक भी कर सकते हैं, आप देखिए आपके पास यहाँ पे जो विंडो बटन है उसी के जस्ट बगल में एक एरो की होगा, उस एरो की पे प्रेस करते ही आप देखिए यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ गया, राइट क्लिक हो गया, राइट क्लिक में जो लिस्ट आया है एक चीज देखिए कि हर एक करेक्टर के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ, टी के नीचे, सी के नीचे, एल के नीचे, ये आपकी शॉर्टकट है। मतलब कि राइट क्लिक करने के बाद मुझे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है तो यहाँ देखिए एफ के नीचे अंडरलाइन है, तो मैं अपने कीबोर्ड का F की प्रेस करूंगा तो मेरा फॉर्मेट सेल अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मेट सेल ही नहीं, कोई भी पॉपअप, इसको जो बोलते हैं पॉपअप बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, इस तरह के डायलॉग बॉक्स में मुझे हैंडल करना है। मान लीजिए मुझे इसके अंदर अप्लाई करना है कीबोर्ड से, तो आप टैब प्रेस करके एरो की से इसके नीचे मूवमेंट, टैब और एरो की से इसे जा सकते हैं। डेट पे जाना है अगेन टैब, यहाँ डेट पर, तो टैब एंड एरो की का मिक्स यूज कर सकते हैं, ऊपर नीचे करने के लिए टैब एरो की और एक से दूसरे में जाने के लिए टैब। अब मुझे अलाइनमेंट में जाना है तो हम कंट्रोल टैब यूज करेंगे तो एक अलाइनमेंट वाला सेक्शन आ जाए, और फिर नॉर्मल टैब इसके अंदर मूवमेंट करेंगे और सिलेक्ट करने के लिए, अब मान लीजिए रैप्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो दो ऑप्शन है, एक तो डब्ल्यू के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, मैं डब्ल्यू यूज कर सकता हूँ जी, या फिर मैं स्पेस का स्पेस बार का भी यूज कर सकता हूं। ओके, स्पेस बार से हम जिसमें भी सिलेक्शन में होंगे वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा? नहीं, सिर्फ चेक बॉक्स। हाँ, चेक बॉक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब ये चेक मैं मैंने सिलेक्ट करके अपना कर्सर मर्ज पे रखा है या तो मैं एम प्रेस कर सकता हूँ या स्पेस बार प्रेस कर सकता हूँ? रैप एम भी प्रेस कर सकते हैं, अब एम प्रेस करने के लिए वहां पे ले जाने की जरूरत नहीं है जी, हम कहीं भी रहेंगे एम प्रेस करेंगे तो मर्ज अप्लाई। ओके, मर्ज अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, और स्पेस बार से जाने के लिए वहां पे जाना पड़ेगा जी, ठीक है। ऐसे कंट्रोल टैब से फॉन्ट, कंट्रोल टैब फोल्डर, मुझे वापस आना है अलाइनमेंट में आना है जी, तो कंट्रोल शिफ्ट टैब, कंट्रोल टैब हमें आगे बढ़ाता है, कंट्रोल शिफ्ट पीछे बढ़ाता है, रिवर्स बढ़ाता है, शिफ्ट हमेशा रिवर्स में काम करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ अगर शिफ्ट लगा तो उस शॉर्टकट का रिवर्स हो, ठीक है। ओके, इसका ध्यान आप रखिए, हमेशा रिवर्स में काम करता जी। ओके ओके सर, इसमें जैसे मुझे इनिशियली जाना है, मान लीजिए मैं माउस यूज नहीं कर रहा और मुझे राइट क्लिक करके जाना है, तो आपने क्या बताया था मुझे इनिशियली? यहाँ पे आपके सामने देखिएगा शिफ्ट के साथ कंट्रोल एंड विंडो की के बगल में एक की होगा, इसमें एक लिस्ट और सर मेरे एक्चुअली मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ तो लैपटॉप में तो कोई शो नहीं कर रहा है, इसमें लैपटॉप में भी शो करेगा, मैं दिखाता हूँ जी, फोटो एक
इस तरह का लिस्ट बना होगा। समझे? नहीं नहीं सर, इसमें मे बी ये हो सकता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। चलिए मैं चेक कर लूंगा सर, लिस्ट आप बता रहे हैं ना, तो इसमें कुछ और भी है इसका कुछ? निकाल लिया। इसमें से कौन सा कीबोर्ड है आपका? ये है ना Lenovo Legion का है मेरा जो है। हाँ इस तरह का ही होगा। ये दिख रहा है आपको? ये वाले दिख रहा है आपका? ये आपका है दिखा सर? सर मेरे पास ये नहीं है। शिफ्ट और एरो की के बगल में होता है, जहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल होता है उसी में देखिए यहाँ पे की हो। सर मेरे में ऑल्ट प्रिंट स्क्रीन, उसके बाद में वीडियो का सिंबल है, फिर कंट्रोल है। आप इसमें लीजियन का डालिए, लीजियन का मिल जाएगा। क्या बोला? सर्च कीजिएगा ना, इसमें लीजियन, लीजियन का डालिए। लिवोनो का? हाँ Lenovo Legion। ये है ना आपका? नहीं सर, थिंक कट कर रहे हैं। अभी ऊपर थोड़ा ऊपर कीजिएगा, अभी दिखाया अपना शेयर। देख लिया कि मैं कीबोर्ड को कैसे यूज कर सकता हूँ जी। राइट सर? राइट सर। कीबोर्ड को आप कीबोर्ड पे हैंडलिंग समझा गए ना, तो आपको दो चीजें करनी है। पहली तो इसकी लिमिटेशन को पढ़नी है, दूसरा शॉर्टकट को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। राइट जी जी। कोर्स को स्टार्ट करेंगे मेनू के हिसाब से। हम पहले फाइल मेनू बार के बारे में करेंगे, फिर होम, फिर इंस्टॉल। इस तरह से मेनू बार से चलेंगे तो दो फायदा होगा। एक तो आपको पता होगा कि आखिर हम है कहाँ पे जी, और दूसरा एक बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको पता, आपको सीक्वेंस पता होगा कि अगले दिन आपका क्या पढ़ने वाला है, वो आपको पता रहे कि हाँ सर ने कंडीशन मॉडिफाई करा है, जिससे आगे चीज कर पाएगा जी, वो पता रहेगा। ठीक है जी जी। और इसकी रिकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी बंद होने के बाद, कन्वर्ट होके। कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा 10 मिनट का जी जी। उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके सर, कल की क्लास में बात